व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज फिट विद अटवाल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और ये बहुत लोग मिस कर देते हैं अपने रेगुलर वर्कआउट में, ये है लेग्स वर्कआउट। आज मैं आपको लेग्स वर्कआउट बताऊंगा और ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ इस लेग वर्कआउट को, क्योंकि लेग वर्कआउट से ही आपका जो सबसे मेन हार्मोन है, जो मेल हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, वो बूस्ट होता है लेग वर्कआउट से। और आपको लेग्स की एक्सरसाइज जितनी हो सके करनी चाहिए वीक में। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वीक में एटलीस्ट 2 times तो लेग्स हिट कर ही करें, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बूस्ट हो और आप अच्छे से अपर बॉडी आपकी ग्रो करे। मेन तो आपको यही है कि जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं होगा तो आपकी अपर बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी, आपकी लेग्स ग्रो नहीं करेंगी। बहुत लोगों की होती है कि वो लोग अपर बॉडी पर बहुत फोकस रखते हैं लेकिन लेग वर्कआउट के टाइम पे वो मिस कर देते हैं लेग वर्कआउट। फॉर मी लेग वर्कआउट बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद है लेग वर्कआउट। इस वीडियो में आपको मैं 4 exercises बताऊँगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिगिनर के टाइम पे ही आपकी अगर नींव अच्छी होगी तभी आपकी बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो पाएगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बॉडी पे अच्छे से वर्क करेंगे, आपकी लेग पे अच्छे से वर्क करेंगे, तभी आपकी अपर बॉडी भी ग्रो करेगी नेचुरली। इस वीडियो में मैं आपको 4 exercises बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 exercises आपको ज़रूर हिट करनी है अपने जिम में जब भी आपका लेग वर्कआउट हो। ये मास के लिए, डेफिनेशन के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन पर्टिकुलरली मास के लिए ज़्यादा आपके काम आएंगी ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेस को आपको ज़्यादा हैवी या ईगो लिफ्टिंग में लेके नहीं जाना है। आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जितना उठा सकते हैं करेक्ट फॉर्म से आप उतना ही उठाएं। ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग से आपको सिर्फ इंजरी होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का और आप दोबारा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं आ जाएंगे। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं जिम में। बहुत सुबह सुबह यार, थका हुआ हूँ थोड़ा, तो देख लेना, चलो चलते हैं जिम में। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स, जिसके आपको 5 sets करने हैं, 5 reps। इसमें आपको हैवी जाना है लेकिन पहले 2 आप वार्म अप सेट लगाएं जिसमें आप लाइट वेट से भी कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि अपनी फॉर्म को बिल्कुल सही रखें। जैसे कि मैं यहाँ पूरा नीचे जा रहा हूँ और ऊपर आके ग्लूट्स को स्क्वीज कर रहा हूँ, तो वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गलत फॉर्म से स्क्वाट्स ना लगाएं क्योंकि इससे बहुत इंजरी के चांसेस होते हैं, और कोशिश करिए कि अपने स्क्वाट्स को जितना अच्छे फॉर्म से हो सके वैसे ही लगाएं। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। इसमें आपको 3 sets लगाने हैं 12 reps के, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं बर्स्ट कर रहा हूँ ऊपर, तो जब ऊपर आ रहा हूँ तो एकदम इमिजिएटली आ रहा हूँ, नीचे स्लोली लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे सारे मसल टिश्यूज, मसल फाइबर्स एक्सटेंड हो और उससे मेरी ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है, मेरे ज़्यादा मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं। इसमें आपको लाइट रखना है और 3 sets लगाने हैं 12 reps के। ये बेसिकली आपकी आइसोलेशन मूवमेंट आती है और इससे आपकी जो कटिंग होती है आपके क्वाड्स में वो बहुत अच्छे से डिफाइन होती है। 3rd exercise है लेग कर्ल। इसमें भी आपको 3 sets लगाने हैं 12 reps के। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक एंगल पे हूँ अपने हैमस्ट्रिंग को लेके, थोड़ा आगे से ऊपर उठा हुआ हूँ, इससे आपकी सारा प्रेशर आपकी हैमस्ट्रिंग पे पड़ता है, और कोशिश करिए कि जब भी आप करते हैं तो आपके ग्लूट्स स्क्वीज रहें, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और आपके और ज़्यादा अच्छे से मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, जिससे कि आपको और फ़ायदा होगा अपनी मसल ग्रोथ को बढ़ाने में। कोशिश करिए कि जितना हो सके स्लो अपनी मूवमेंट रखें, इससे आपकी मसल ग्रोथ अच्छी होगी और आपके मसल फाइबर्स और ज़्यादा ब्रेक होंगे और आपका न्यूट्रिशन उसको और जल्दी और अच्छे से बिल्ड करेगा। और जो लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग लंजेस। इसमें आपको 4 sets लगाने हैं 8 to 10 reps के ईच लेग। तो इसमें आपको, ये बेसिकली मास बिल्डर है आपकी लेग के लिए, और आपको जैसे मैं इधर लाइट वेट से आपको दिखा रहा हूँ लेकिन आपको हैवी वेट से करना है, और कोशिश करिए कि अपनी फॉर्म को बिल्कुल सही रखें, फॉर्म पे ज़्यादा फोकस रखें।